धमतरी जिले के कुरूद थाना क्षेत्र चौकी बीरेझर में पुलिस ने चोरी का बड़ा खुलासा किया है। आरोपी धमतरी बालोद दुर्ग जिला में चोरी के अपराध को अंजाम दिया है। गौरतलब हो कि बीरेझर चौकी क्षेत्र के हथबंद ग्राम में घर अंदर प्रवेश कर आलमारी में रखे सोने चांदी जेवरात व नकदी पर हाथ साफ किया। वही भखारा थाना क्षेत्र के जोरा तराई में भी एक घर में जाकर प्रार्थी के पिताजी को कहा कि आपके लड़के मुझे भेजा है, छड़ सीमेंट के लिए पैसा मंगाया है कहकर घर अंदर घुसकर दीवान के अंदर रखे सोने चांदी जेवरात सहित नकदी रकम को पार कर ले गया। इसी तरह कुल 14 जगह पर सीमेंट के नाम पर बड़े बड़े चोरी किया है। धमतरी जिला बालोद सहित दुर्ग जिला में आरोपी पंचराम निषाद चोरी कर आतंक मचा रखा था। इधर पुलिस आरोपी के तहकीकात में जुट गए थे। इसी बीच आरोपी को पकड़ लिया गया। आरोपी के पास से 9,21,000 रुपए को जब्त किया है। खास बात यह है कि यह आरोपी पंचराम निषाद पहले लोगों के घर जाकर ऐसे पेश आता जैसे कि वो सच में चोर न हो और छड़ सीमेंट आधी रेट में देने की धांसा देकर सोना चांदी जेवरात नकदी पर हाथ साफ किया करता था। आरोपी धमतरी जिला में 7 चोरी के अपराध को अंजाम दिया है जबकि 7 अपराध दिगर जगह पर अंजाम दिया है। इसके चोरी करने का स्टाइल को देख सुन प्रार्थी भी सोच में पड़ गया। बहरहाल पुलिस शातिर पंचराम निषाद को गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही में जुट गई है। दिनांक 31/8/24 को हमें एक अज्ञात आरोपी द्वारा घर में प्रवेश कर लॉकर में रखे सोने चांदी के जेवरात और कैश चोरी किए जाने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होने पर हमने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और मुखबिर के का साथ लेकर पतासाजी की। पतासाजी करने पर एक संदेही को पकड़कर उससे कड़ी पूछताछ की। उसने कुल 14 चोरी के मामलों में चोरी करना स्वीकार किया है, जिसमें धमतरी बालोद और दुर्ग जिले में छड़ सीमेंट के बहाने घर में घुसकर चोरी करने की बात उसने स्वीकारी है। इस प्रकार कुल 14 मामलों में संलिप्त रहने का उसकी द्वारा स्वीकारोक्ति की गई है, जिसमें 7 धमतरी के एवं 7 अन्य दिगर जिलों के थे। आरोपी का नाम पंचराम निषाद है, जो कि चंद्रली गांव चंदरपुर थाने के अंतर्गत जिला शक्ति का निवासी है और वर्तमान में माना रायपुर में निवासरत है। उसके पास से रिकवरी में कुल 9,21,000 रुपए के सोने चांदी के जेवरात, कैश रकम और अन्य सामान की बरामदगी की गई है और इसके आधार पर उसके तहत उसके ऊपर कार्यवाही करके उसे जेल भेजा गया।